नमस्कार दोस्तों, जॉब वाले बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, शिक्षा विभाग के माध्यम से आप सूचना जारी की गई है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मतन पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2022 में आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण लाभुकों को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। इस राशि जो है सीधे लाभुकों के जो बैंक खाते में अंतरित की जा रही है। आवेदन की विस्तारित तिथि जो है 31 जून 2023 तक, और वेबसाइट का लिंक यहाँ दिया हुआ। 28 दिन तक कनेक सूचना प्रकाशित की गई थी। पंजीयन की तिथि समाप्त के पश्चात तो पात्र लाभुक पंजीयन नहीं कर सके हैं, तो इस लाभुक को ध्यान में रखते हुए पंजीयन के लिए अंतिम मौका देते हुए तिथि निर्धारित की गई है। यानी कि पहले 28 जून तक था, अब तीन मतलब कि आपको अभी 31 दिन तक कर दिया गया है इसका, कि आप 31 दिन तक क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और NIC के जो विकसित पोर्टल है, ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का समय दर्ज की गई सूचनाओं के सत्यापन के लिए छात्रा के रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड उपलब्ध होगा। यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त होने पर छात्र पुनः पोर्टल पर लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे कि बैंक खाता पात्र जो है बैंक छात्र के नाम पर खुला होना चाहिए। यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक या इंडिया पोस्ट बैंक के बिहार का स्थित किसी शाखा से संचालित होना चाहिए। योजना के लाभ हेतु लाभ के पात्र जो लाभुक हैं उन्हें 31 जून 2023 तक यानी कि 31 मार्च तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं ये समझा जाएगा कि योजना का लाभ लेने की इच्छुक नहीं है, और उसके बाद पश्चात उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है या ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो आप अगर अच्छा वीडियो लगा तो आप जरूर अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।